मैं जगदम्बा प्रसाद रतोड़ी टिहरी जिले के गोजमेर ग्राम का रहने वाला हूँ। मैं 18 साल की उम्र में जो है यहाँ से घर से निकल गया था बाहर। बाहर जा कर के जो है कई धक्के खाए नौकरी के लिए। फिर मैं 79 में जो है नौकरी लग गया था पंजाब स्टेट ट्यूबवेल कॉरपोरेशन में। और वहाँ से जो है क्लास 4 की नौकरी करता रहा। मेरे साथ के मेरे कई लोग ऐसे थे जो मेरे साथ में वहाँ रहते थे, उन्होंने जो वहीं पर जो है अपना जो है आशियाना बनाया, क्योंकि छोटी नौकरी में जो है आदमी कितना बड़ा आशियाना बना सकता है, छोटा सा ही आशियाना बना सकता है। पर मेरा वो ध्याय नहीं रहा। मेरा ध्याय ये रहा कि मैं जो है रिटायर होकर के तुरंत अपने घर जाऊँ और अपने घर में अपने गाँव में ही अपना जीवन जो है व्यतीत करूँ। तो मैंने ठीक ऐसे ही किया। 2015 में मार्च में मैं जो है 31 मार्च को रिटायर हुआ और उसी दिन अपना सारा सामान इकट्ठा करके और घर को चल पड़ा। घर में आकर के जो घर के गांव गांव में जो काम होते हैं मैं वही काम कर रहा हूं और खुश हूं गांव में। मैंने जो कुछ भी कमाया अपने घर पे लगाया, घर बनाए, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके थोड़ा जो है वो प्राइवेट नौकरी में जॉब कर रहे हैं और मैं अपनी ज़िंदगी घर में व्यतीत कर रहा हूँ। घर में जो है गढ़वाल में यही काम होता है, खेतीबाड़ी का और पशुपालन का। मेरे पास पशु भी हैं, भैंस है, गाय है, मैं उनके लिए घास भी काटता हूँ, घर की खेतीबाड़ी का काम भी करता हूँ। जबकि मैं काफ़ी सालों तक जो है बाहर रहा हूँ, मैंने हल कभी नहीं लगाया था। घर में आकर के मैंने जो है बैलों से खेतों में जो है हल लगाना भी शुरू किया। घास भी काट रहा हूँ मैं और अपना जीवन मैं सुखी समझ रहा हूँ घर में। शहरों में जो परेशानी होती है उससे मैं बढ़िया हूँ, यहाँ खुश हूँ। शहरों में जो है ध्वनि प्रदूषण है, यहाँ अपने गांव में जो है अगर सर्दियाँ हैं तो लकड़ी जलाओ, चूल्हा जलाओ, सेको उसको, और गर्मी में यहाँ पेड़ के नीचे बैठ कर के जो है सुंदर जो है एयर कंडीशन की हवा मिलती है। क्योंकि यहाँ सिंचाई के साधन नहीं हैं, बारिश ना हो तो खेती में कुछ भी नहीं होता, सब दुकान से मोल लेके खाना पड़ता है। हाँ बारिश हो तो यहाँ सब्जियाँ भी हो जाती हैं, थोड़ा बहुत जो खेती जो है कर सकते हैं, दालें हो जाती हैं थोड़ा बहुत खेती में, सब कुछ होता है। वैसे 12 प्रकार के अनाज हो सकते हैं पर अगर बारिश सही ढंग से हो तो। हाँ जंगली जानवर का आतंक यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया है, पहले नहीं था, अब जो है यहाँ पर
सुअर भी यहाँ जो है दिन रात घूम रहे हैं, बंदर भी खेती का जो है बहुत नुकसान करते हैं, झाड़ियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि यहाँ से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है, घर में बहुत कम लोग रहते हैं। हमारे यहाँ पर जो है 8-10 मकान पर, 8-10 मकानों में जो है हम 12-14 आदमी ही जो है हर मकान में, मतलब दो दो तीन तीन मकान आदमी एक एक मकान में रह रहे हैं, तो दिक्कतें तो काफ़ी है। मेरा जो है अपने गढ़वाली भाइयों के लिए एक संदेश है, जो मेरे साथ रिटायर हुए हैं या मेरे बाद जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए है ये संदेश, कि अपने घर में जो है छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते हो आशियाना, तो छोटा सा आशियाना बना करके और अपने घरों की तरफ जो है गढ़वाल की तरफ ध्यान दें।